क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर करते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ब्रिटिशर्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के कारण क्या हुआ था, इंडियन सारे बहुत परेशान थे। अभी तक हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में यही पढ़ा कि किस तरह से पीजेंट्स, नवाब, सब पीजेंट से लेकर नवाब तक, गरीब अमीर सब परेशान थे, और सबको एक चीज़ अपने मन में भावना आ गई थी कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमें अपनी आज़ादी चाहिए और इन अंग्रेज़ों को निकालना है यहाँ से। 1857 का जो रिवोल्ट था, हालांकि उसे सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी लोगों को एकता के सूत्र में बांध दिया था, यानी यूनाइट हो गए थे लोग। अब वो फील करने लगे थे कि हम इंडियन हैं, हमें अपना इंडिया फ्री चाहिए। इसमें शुरुआत होगी द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना लोगों में आई कैसे, वो धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगे, प्रिंटिंग आ गई, लोगों तक कम्युनिकेशन जो हो नहीं पाता था वो थोड़ा पॉसिबल हुआ, इतना नहीं लेकिन थोड़ा पॉसिबल हुआ। लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया, और कुछ लोग जो एजुकेशन लेते जा रहे थे उन्हें समझ आ रहा था कि हमें किस तरह से यहाँ से इन लोगों से आज़ादी चाहिए। अ नेशन इन मेकिंग, इसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस का रोल। कांग्रेस का, जैसे कांग्रेस एक पार्टी बनी थी, उन्होंने एक तरह से इंग्लिश लोगों से रिक्वेस्ट करके, क्या कहा जाता है, उनको मॉडरेट माना जाता है। मॉडरेट्स मीन्स वो वॉयलेंस बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। उन्होंने धीरे धीरे कि अंग्रेज़ों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, छोटी छोटी चीज़ें मांग के कि लेजिस्लेशन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम होने चाहिए, इंडियंस को ज़्यादा जॉब्स मिलनी चाहिए, जैसे सोल्जर्स को या मिलिट्री वगैरह में, डिफेंस में इंडियंस को जो जॉब मिलती थी वो हाई पोस्ट पर नहीं मिलती थी। अधिकतर जॉब्स थी अंग्रेज़ों के पास में, हाई पोस्ट उन्हीं को दी जाती थी ताकि वो अपनी सैलरीज वहाँ भेजते थे इंग्लैंड में। तो इंडियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड कांग्रेस ने रखी कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और हाई पोस्ट पे इंडियंस पहुँचें। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने करनी शुरू करी अपनी डिमांड्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, ये फ्रीडम इज़ अ बर्थ राइट, कुछ लोग ऐसे थे जैसे लाल बाल पाल, तीन नाम आते हैं, तो ये लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस का जो स्टाइल है मॉडरेशन का, वो कभी भी सफलता नहीं दिलाएगा हमें अपनी फ्रीडम लेने में, यानी हमें अपनी राइट्स को मांगना पड़ेगा किस तरह से, मतलब वॉयलेंस करनी ही पड़ेगी, किसी तरह से अंग्रेज़ों को परेशान करके ही यहाँ से भगाया जा सकता है, ये इनका नज़रिया था। अब ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के अंदर आता है कि किस तरह से लोग शामिल हुए। ये जो फ्रीडम इज़ अ बर्थ राइट, इसके अंदर हम वो भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने अलग रास्ता लिया था मॉडरेट से रेवोल्यूशनरीज़ ने। रेवोल्यूशनरीज़ मीन्स जो चाहते हैं कि चेंज एकदम से आ जाए। और इसमें मास नेशनलिज्म आएगा कि जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का काफ़ी पैसा लग रहा था, ब्रिटेन का, तो उनको अब ये पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ के टैक्सेस बढ़ा दिए गए, यहाँ के लोग जो पहले परेशान थे वो और परेशान हो गए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे वो फ्लरिश करने लगी, क्लॉथ की, आयरन की। रीज़न उसका ये था, मतलब जो इंडियंस के हाथ में थे वो फ्लरिश करने लगे, रीज़न उसका ये था कि जो ब्रिटेन से आया करता था, इंपोर्ट हुआ करती थी चीज़ें, अब वो वॉर के टाइम पे इंपोर्ट, वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, और उनको बल्कि यहाँ से और चीज़ें चाहिए थी, जैसे मिलिट्री के लोगों के लिए कपड़ा चाहिए था, आयरन चाहिए। तो इस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया के थे उन्होंने फ्लरिश किया, लोग एजुकेशन लेने लगे, और दिमाग में ये भावना आती गई कि हमें अपना इंडिया चाहिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है कि महात्मा गांधी कैसे आए। एट द एज ऑफ 46 ही केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो
प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे एक लॉयर थे, वहाँ पे उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। इंडिया आके भी उन्होंने एक साल तक यहाँ पे घूम के पता किया कि किस किस तरह से लोग परेशान हैं, और वहाँ उनकी भेंट वल्लभ भाई पटेल जी से भी हुई, और इस तरह से कुछ नेशनलिस्ट इकट्ठे हुए, और धीरे धीरे महात्मा गांधी जी ने इस इंडिया में आके भी अपनी पकड़ बनाई और अपने रास्ते खोजे कि किस तरह से हमें फ्रीडम मांगनी चाहिए। आता है रॉलेट सत्याग्रह। एक एल्बर्ट बिल पास किया गया था। एल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसके अंदर ये रखा गया था कि इक्वालिटी लाए जाए इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब सोचो, जो ब्रिटेन से लोग आके यहाँ पे एक तरह से राज्य कर रहे हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि इंडियंस और उनको एक इक्वालिटी दे दी जाए। तो इस बिल को रोका गया, और जो लोगों के पास आर्म्स के राइट नहीं थे, आर्म्स रखने के राइट्स नहीं थे इंडियंस के पास, पुलिस की पावर्स बढ़ाई गई, तो लोगों ने इसका विरोध किया। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने ये चलवाया 1919 में। और इसी दौरान जब जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट लोगों के ऊपर जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाईं, उससे पूरे इंडिया को बहुत बड़ा शॉक लगा, और रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड भी वापस कर दिया। लोग बिल्कुल अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, और नेशनलिज्म की भावना बढ़ती गई। इसके बाद खिलाफत एजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। खिलाफत एजिटेशन ये था कि टर्की में सुल्तान जो हुआ करते थे वो मुस्लिम इस्लाम के वो थे, जैसे एक तरह से हेड होते हैं, इन्हें खलीफा बोलते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो ट्रीटी लगाई वर्ल्ड वॉर के बाद उनके ऊपर, तो यहाँ के मुस्लिम्स ने भी उनसे डिमांड करी कि खलीफा को जो वहाँ के सीक्रेट प्लेसेस हैं मुस्लिम्स की, उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो खलीफा के हाथ में ही रहने दिया जाए। ये था खिलाफत मूवमेंट, और उसके अंदर शामिल हो गया, मतलब गांधी जी ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस असलियत में वो खलीफत मूवमेंट था कि खलीफा के लिए डिमांड कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएं, इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट में अपना सहयोग बढ़ाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था कि हमें कोऑपरेट नहीं करना। कॉलेजेस छोड़े, लोग स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ी। बहुत बड़े स्केल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, यानी कि जो जो इनके ब्रिटिशर्स की सपोर्ट में थे वो सब पीछे हटे कि किसी तरह से इनके ऊपर से कोऑपरेशन हटा दिया जाए, इनके साथ जो कोऑपरेशन के साथ जो चल रहा है वो हटाया जाए। और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा था, लेकिन इसको बंद करना पड़ा। रीज़न उसका ये था कि इसके बाद में कुछ वॉयलेंट चीज़ें हो गई थी, यानी लोगों ने चौरा चौरी नाम की जगह पे पुलिस के ऊपर, मतलब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण 21 पुलिसमैन मर गए थे। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं रोक दिया था। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चला। हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में बुक से, और इसके बाद की कहानी कहाँ तक कि पार्टीशन जहाँ तक हुआ, इंडिया जो इंडिपेंडेंस की तरफ चला, और फाइनली जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके साथ एक और चीज़ आई कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। ये डिटेल में करते हैं हम बुक से। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1872-1947। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या चेंजेस आए, नेशनलिज्म कैसे आया इंडिया में, इंडियन लोगों को कैसे महसूस हुआ कि वो सब एक हैं, क्योंकि इससे पहले तो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने लिया था। कैसे ये सोच आई कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया हमारा है, ये टेरिटरी हमारी है, ये ब्रिटिशर्स हमें क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, और क्या क्या मूवमेंट उन्होंने इंडियंस ने किए। देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, द ब्रिटिशर कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम। ब्रिटिशर किस तरह से टेरिटरीज को एक के बाद एक लेते गए थे, किंगडम्स को जीतते गए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, फिर उन्होंने न्यू लॉज लगाए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो चेंजेस आए।
चेंजेस इन लाइफ ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल, पीजेंट एंड ट्राइबल्स के लाइफ में क्या चेंज आया? पीजेंट परेशान थे, टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे, टैक्सेस इतने हाई थे कि वो पे नहीं कर पाते थे, और वो लोन लेके किसी तरह देना पड़ता था मुश्किल से, तो पीजेंट परेशान थे। ट्राइबल्स ऐसे परेशान थे कि फॉरेस्ट से उन्हें निकाल दिया गया था, ट्राइबल्स का तो जीवन ही फॉरेस्ट पर निर्भर होता है पूरा। तो उन्हें क्या चाहिए था ब्रिटिशर्स को, वो चाहते थे कि यहाँ के फॉरेस्ट को हटाकर और वो वाले ट्रीज उगाए जाएं, जैसे रबर और कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन इस तरह से की जाए जो बाहर बिक सके। तो इस चक्कर में ट्राइबल्स बहुत सारे इंडिया के जो थे उनकी लाइफ इफेक्टेड हो रही थी। एजुकेशनल चेंजेस इन 19th सेंचुरी, पहले हमने देखा कि किस तरह से एजुकेशन के अंदर चेंजेस आए। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वेमेन, वेमेन की कंडीशन के ऊपर जो डिबेट्स हुई, जो नए लॉज बनाए गए। चैलेंजेस टू कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा था उसके लिए क्या चैलेंजेस आए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या किए गए, रिवोल्ट 1857 और उसका आफ्टरमैथ क्या हुआ था, ये सब हमने अभी पिछले चैप्टर में देखा। और किस तरह से यहाँ के लोगों की क्राफ्ट और ग्रोथ इंडस्ट्रीज की रुक गई थी ब्रिटिशर्स के कारण। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज इश्यूज, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल से इंडियंस का डिसकंटेंटेड होना तो बहुत आम बात है, क्योंकि होना ही था। इफ सो हाउ आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड, हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस डिससेटिस्फाइड थे, क्या परेशानियां थी। सबसे पहले आते हैं एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड टू लेड द पीपल टू आस्क क्रूशियल क्वेश्चन, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से पूछा। ये जो ऊपर डेवलपमेंट्स हमने जो देखे, तो इंडियंस अपने आप से पूछते थे व्हाट इज द कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर होम इट इज मेंट, कि ये इंडिया कंट्री है क्या और किसके लिए। द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्स वॉज इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब है इंडिया के लोग। ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज एंड जेंडर, यानी कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, किसी भी जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, सब इंडियंस हैं। एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, और उन्हीं के लिए इस जो कंट्री है उसके रिसोर्सेज, सिस्टम, ये सब उन्हीं के लिए। What the with this answer came the awareness that Britishers were exercising control over the resources of India. अब इससे उनको ये समझ आने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं पूरा कंट्रोल बनाए हुए हैं जितने रिसोर्सेज हैं इंडिया के, और लाइव्स पर भी जो उनके लोगों की है। एंड अनटिल द कंट्रोल वॉज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, और ये कंट्रोल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इंडिया इंडियंस के लिए नहीं है। दिस कॉन्शियसनेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाई द पोलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850। ये जागृति जो आई थी, जो कॉन्शियसनेस, ये समझ जो आई थी, वो क्लियरली आई पोलिटिकल एसोसिएशन जो बने 1850 के बाद उनके कारण, स्पेशली दोज दैट केम इन टू बींग इन 1870s एंड 1880s, खासतौर पर जो 1870s और 1880s में बने। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाई इंग्लिश एडुकेटेड प्रोफेशनल्स, इंग्लिश एजुकेशन लिए हुए जो इंडियंस थे, प्रोफेशनल्स बन चुके थे, अच्छे से हायर एजुकेशन ले चुके थे, उन्हीं के ये विचार थे। सच एज लॉयर्स, खासतौर पर लॉयर्स, द मोस्ट मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये एसोसिएशंस के नाम हैं जो बने थे, जो एजुकेटेड इंडियंस ने बनाए थे। इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब पढ़े लिखे लोग जो इंडिया के थे उन्होंने ये बनाई थी। नोट द नेम पूर्ण सार्वजनिक सभा, नाम से पता चलता है पूरी तरह सार्वजनिक, मतलब सब लोगों की सभा। द लिटरल मीनिंग सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, सार्वजनिक मतलब सारे लोग। दो मेनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो हैं ये स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ कंट्री में काम कर रही थी, कोई एसोसिएशन कहीं पे, कोई कहीं पे। देयर गोल वॉज स्टेटस एज गोल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इनका लक्ष्य क्या था, जो इंडियन लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, नॉट दोज ऑफ एनी अदर रीजन, कम्युनिटी और क्लास। इन ऐसा नहीं था कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए या कम्युनिटी या क्लास के लिए हो, ये इंडिया के लिए था। दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन, सोवरेन मीन्स लोगों के अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो इंडिपेंडेंटली बिना आउटर इंटरफेरेंस के अपना रूल खुद चला सकें।
अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड द की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, ये मॉडर्न कॉन्शियसनेस है और ये की फीचर है नेशनलिज्म का. इन अदर वर्ड्स, दे बिलीव दैट इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स. और क्या बिलीव करते थे कि इंडियन लोग जो हैं उनको इतना पावर उनके पास आए कि वो अपने डिसीजन अपने ही अफेयर्स के खुद लें. ऐसा ना है, ना हो कि ब्रिटिशर्स उनके डिसीजंस ले रहे हैं, उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, यानी कि इंडियंस को अब अपना रूल चाहिए था. द डिससैटिस्फैक्शन दैट ब्रिटिश रूल इंटेंसीफाइड इन 1870s एंड 1880s. अब डिससैटिस्फैक्शन किस कारण से था 1870 और 1880s में? द आर्म्स एक्ट वॉज पास इन 1878. आर्म्स एक्ट एक पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडियंस अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे. डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, राइट. इन द सेम ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट. एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया जिसके जिसका बनाने का लक्ष्य ये था कि चुप करना उन लोगों को जो कि यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है. यानी कि एक अधिकार छीन लेना कि प्रेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट को छापा जा सकता है. द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द असेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. और ये एक्ट जो था ये इसलिए था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसाइज करते हुए कोई चीज़ ना छापे, इसलिए बनाया गया था ताकि ब्रिटिशर्स को कोई क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि क्रिटिसाइज जो करेगा तो अवेयरनेस एक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आएगा कि ये क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, रीज़न समझेंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे. इसलिए उन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी छाप नहीं सकता था. और एक्ट अलाउड गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द असेट ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस. तो ये एक्ट ने अलाउ किया था गवर्नमेंट को कि वो कन्फिस्केट कर सकती है, यानी कि जब्त कर सकती है जो भी असेट्स हैं न्यूज़पेपर के, उनके प्रिंटिंग प्रेसेस को भी अपने कब्जे में ले सकती है अगर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल. कोई भी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल मिली, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कहती हुई कुछ भी मिली, तो वो न्यूज़पेपर को और उसके प्रिंटिंग प्रेस को कब्जे में ले सकते हैं. In 1883, there was a furore over the attempt by government to introduce Ilbert Bill. अब एक गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था, Ilbert Bill इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, उसके ऊपर भी झगड़े खड़े हुए. क्या क्या था? The bill provided for trial of British or European person by Indians. इस बिल के अकॉर्डिंग कोई ब्रिटिशर या यूरोपियन पर्सन के ऊपर इंडियन भी केस कर सकता था. एंड sought equality बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री. और इस बिल के अकॉर्डिंग इक्वालिटी आ जाती ब्रिटिश और इंडियन जजेस की के बीच में. तो ये चीज़ जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को कैसे सहन हो, वो तो एक तरह से हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे, इक्वालिटी कैसे कर लें, कैसे ये परमिशन दे देंगे कोई इंडियन ब्रिटिशर के ऊपर केस चला सके या इंडियन और ब्रिटिशर जजेस को एक बराबर ला सके. तो इस इल्बर्ट बिल का को मतलब अपोज किया यहाँ के जो ब्रिटिशर्स जितने थे उन लोगों ने अपोज किया. तो गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल पीछे ले लिया, हटा दिया. हटाते ही इंडियंस लोगों को और पता चला कि ये किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है. बट व्हेन वाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, वाइट ऑपोजिशन यानी यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि ये बिल को वापस ले लें, इल्बर्ट बिल को, तो इंडियंस वर एनरेज्ड, इंडियंस को गुस्सा आना ही था. द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश एंड इंडिया, क्योंकि ये इवेंट जो था ये हाईलाइट करता था, खूब अच्छे से खोल के दिखाता था कि ब्रिटिशर्स किस तरह से यहाँ पे अपनी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इंडियंस को बहुत छोटा समझ रहे हैं. The need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880. अब जितने educated Indians थे उनको organize करना, एक organization के अंदर लाना, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी 1880 से. but the Ilbert Bill controversy deepened this desire. और Ilbert Bill की ये जो controversy आई, जो Ilbert Bill equality ला रहा था, उस Ilbert Bill को लागू नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे रहते थे, इस वजह से इंडियंस की और ये डिज़ायर, इच्छा गहरी हो गई कि हमें एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885. और ये
बनी एक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 72 डेलीगेट्स हाई ऑफिशियल्स जैसे पूरी कंट्री में से मिले वहाँ पे बॉम्बे में 1885 में। द अर्ली लीडरशिप, इसमें लीडरशिप में कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुंदरनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और बहुत सारे और। मोस्ट लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकटा, अधिकतर लोग कहाँ से थे, बॉम्बे और कैलकटा से। नारोजी अ बिजनेसमैन एंड अ पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंडन एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंग नेशनलिस्ट। और इसमें गाइडेंस कौन दे रहा था, एक पब्लिसिस्ट दादा भाई नारोजी, जो कि लंदन में रह के आए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन्होंने मेंबर रहे थे, उन्होंने गाइड किया यहाँ के नेशनलिस्ट को। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ए ओ ह्यूम ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम वेरियस रीजन टुगेदर। ए ओ ह्यूम ने भी ये ट्राई किया, बहुत सारे इंडियंस जो एडुकेटेड इंडियंस थे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए उन्होंने भी कोशिश करी। अ नेशन इन मेकिंग, इट हैज ऑफन बीन सेड दैट कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स वॉज मॉडरेट। अब कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट थी अपने ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स मतलब अपने लक्ष्य में एंड मेथड्स, अपने लक्ष्य में अपने मेथड्स में मॉडरेट थे। मॉडरेट मीन्स जो एक ऐसा सरलता का रास्ता लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशनरी हों कि एकदम से चेंज चाहिए। ये क्या करते थे, ये थोड़ा धीरे से इस तरह से कि उनके उनसे रिक्वेस्ट करके या उनकी उनसे कह के पॉलिसी चेंज करा के धीरे धीरे चेंजेस लाना चाहते थे। तो इनको इस टाइप की सोच वाले लोगों को मॉडरेट कहा जाता था। तो कांग्रेस में अधिकतर लोग मॉडरेट विचारधारा के थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस पीरियड में डिमांड क्या करी कांग्रेस ने कि इंडियंस की वॉइस हो गवर्नमेंट में, दैट मीन्स कि इंडियंस का से हो, मतलब इंडियंस कह के अपनी बातें रख सकें गवर्नमेंट के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन में। इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब इलेक्शन करके लोग वहाँ पहुँचें और उनका लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुँच सके। गिवन मोर पावर, इनको पावर ज़्यादा मिले, इंट्रोड्यूस इन प्रोविंस वेयर नन एग्जिस्टेड, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए। इससे फ़ायदा क्या होता कि इंडियंस को जो कमी लग रही है, जो परेशानी आ रही है, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रिप्रेजेंटेटिव से बनी होगी वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को पहुंचा पाएगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएगी। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट, और क्या डिमांड थी कि हाई पोजीशन जो अभी तक गवर्नमेंट में नहीं दी जाती थी इंडियंस को वो दी जाए। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। तो उन्होंने कहा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो IAS के एग्जाम होते हैं वो भी इंडिया में होने चाहिए, नॉट जस्ट इन लंडन, सिर्फ लंदन में नहीं होने चाहिए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, और ये जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस शामिल हों, ये क्या था, ये एक मूवमेंट था रेसिज्म के अगेंस्ट, सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपलाइज बाय वाइट, क्योंकि अधिकतर ऊँचे जॉब्स जितने थे वो मोनोपलाइज थे, मतलब सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में थे। एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका सोचना यह था रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट हम इंडियंस को नहीं दे सकते, सिंस ब्रिटिश ऑफिसर वॉज सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर अगर यहाँ पे अच्छी सैलरी वाले पोस्ट पे होंगे तो वो अपनी सैलरीज घर घर भेजेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ब्रिटिशर्स को ही हाई पोस्ट पे रखा जाता था। और दूसरा रीज़न भी होता है कि अगर हम कहीं पे जाके रूल कर रहे हैं तो हाई पोजीशन अपने हाथ में ही रहेगी, तभी तो अपनी ज़्यादा चलेगी। इंडियनाइजेशन वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, और ये कि पैसा भी जितना जा रहा है इंग्लैंड में इनकी सैलरी के रूप में जो हाई पोस्ट पे ब्रिटिशर्स बैठे हैं, तो उनकी जगह अगर इंडियंस को ये पोस्ट दी जाएगी तो उतने वेल्थ जो है वो इंग्लैंड नहीं पहुंच पाएगी। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एक और डिमांड रखी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को ख़त्म किया जाए। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच देने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम है वो दी जाए। देखा जाए ये मॉडरेट्स ने चाहे सरल रास्ता लिया था, धीरे धीरे करके चीज़ें मांगने का रास्ता लिया था, लेकिन था तो ये सही ही।
क्योंकि इससे पहले देख चुके थे कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हैं, उनके अगेंस्ट आर्म्स उठाना तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके लिया जा सकता है, यही एडुकेटेड लोगों ने सोचा था और वो ले भी रहे थे। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड इश्यूज वो भी उठाए। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी, कि ब्रिटिश रूल के कारण पॉवर्टी आ गई है एंड फेमाइंस भी हो रहे हैं। फेमाइंस देखो, ड्रॉट होता है जब सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती, फेमाइंस हम उनको कहते हैं जब ड्रॉट्स के कारण लोग मरने लगते हैं कि खाना नहीं है। तो कांग्रेस का ये कहना था कि ब्रिटिश रूल के कारण पॉवर्टी और फेमाइंस बढ़े हैं, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू हैज इम्पवरिश्ड पीजेंट एंड जमींदार, लैंड रेवेन्यू इतना हाई रख रखा है कि पीजेंट और जमींदार परेशान हैं, एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस, और जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप को तो यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाती थी। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अब कांग्रेस ने डिमांड रखी कि रेवेन्यू कम किया जाए, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे मिलिट्री के का एक्सपेंडिचर इतना बड़ा किया जाता है उसके अंदर पैसा कम खर्च किया जाए, एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, इरिगेशन में ज़्यादा पैसा लगाया जाए, क्योंकि अगर इरिगेशन में पैसा लगाया जाएगा तभी तो फार्मर्स अर्न कर पाएंगे, जितनी बड़ी बड़ी उनके ऊपर रेवेन्यूज लगा दिए गए लेकिन उनको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। इट पास्ड मेनी रेजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, और भी बहुत सारे रेजोल्यूशन जैसे सॉल्ट टैक्स के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई, और जो इंडियन लेबरर्स जो बाहर भेज दिए जाते थे उनकी सफरिंग्स के उनको परेशान किया जाता था तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, और सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या सफ़र कर रहे हैं उनकी भी आवाज़ उठाई, कॉज बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और उनको जैसे पहले भी आया था कि ट्राइबल्स को जैसे घुसने नहीं दिया जाता था अपने हर्ड्स वगैरह को लेके, तो किस तरह से ट्राइबल्स फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे वो कैसे परेशान है वो भी मुद्दे उठाए। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ एडुकेटेड एलीट, के पढ़े लिखे हाई क्लास लोग थे इसके अंदर कांग्रेस के अंदर, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, तब भी इन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात नहीं करी, जमींदार या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं करी, इन्होंने छोटे से लेके बड़े हर एक की बात करी। द मॉडरेट लीडर वॉन्टेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, अब ये एक था शांति से एक तरीका के उधर गवर्नमेंट से धीरे धीरे बातें मनवाना और इधर लोगों को के अंदर अवेयरनेस जगाना। मॉडरेट लीडर चाहते थे कि डेवलप हो जाए अवेयरनेस कि किस तरह से अनजस्ट है ब्रिटिश रूल, दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स, पहले तो परमिशन ली उनसे क्या एक्सप्रेशन का राइट दिया जाए, और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ये सब निकाले, एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो बर्बाद कर रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, ब्रिटिश रूल को उन्होंने अपनी स्पीचेस में क्रिटिसाइज किया और लोगों को जगाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भेजे। दे फील्ड दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर आइडियल ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, उन्होंने ये फील किया था, पढ़ लिख गए थे, अब उन्हें पता है कि वहाँ के क्या आइडियल्स हैं, तो फ्रीडम और जस्टिस को तो ये लोग महत्व देते ही हैं ब्रिटिशर्स, सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, तो अगर हम न्यायपूर्ण कुछ डिमांड्स रखेंगे तो ब्रिटिशर्स मानेंगे उसको, ऐसा इनका मानना था। What was necessary, therefore, was to express these demands. और क्या जरूरी है इन डिमांड्स को एक्सप्रेस करना, एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, और गवर्नमेंट को ये अवेयर बनाना कि इंडियंस क्या फील कर रहे हैं। अब आता है फ्रीडम इज आर बर्थ राइट। बाय 1890s, मेनी इंडियन बिगन टू रेज क्वेश्चन अबाउट द पोलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस, अब ये मॉडरेट्स का जो स्टाइल था इसके ऊपर कुछ लोगों को आपत्ति थी। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स, ये चाहते थे कि कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जो स्पीडी हों और हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से कैसे भी। They criticized the moderates for their politics of prayers. उन्होंने moderates को criticize किया कि ये क्या कर रहे हैं, politics of prayers कर रहे हैं, कि उनसे request कर रहे हैं, and emphasized on importance of self-reliance and constructive work. और उन्होंने जोर दिया कि कैसे ज़रूरत है अपने आप को आत्मनिर्भरता लाने की और constructive work करने की। They argued that people must rely on their own strength.
कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, इंडियंस को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट. और ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या अच्छा कर देगी हमारे लिए. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज. और अब टाइम आ गया है कि लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए. स्वराज मतलब अपना राज्य. तिलक रेज द स्लोगन, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल. अब 1905 में वायसराय कर्जन ने पार्टीशन कर दिया बंगाल. एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया का सब बहुत बड़ा प्रोविंस था बंगाल, एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. ये सारा पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड था. द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड किया बंगाल को, रीजन उन्होंने ये दिया कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़ी राज्य का चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने डिवाइड किया. बट वॉट डेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का क्या मतलब था? हूज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, किसका कन्वीनियंस चाहिए था? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन. कि ये हुआ इसलिए था क्योंकि इसका इंटरेस्ट था ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के लिए, ये काम अच्छा होना था इसलिए किया गया. इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, नॉन बंगाली एरियाज जो उन्हें हटाने के बजाय गवर्नमेंट ने सेपरेट कर दिया ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद आसाम, आसाम के साथ उसको मर्ज कर दिया. परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड स्प्लिट द बंगाली पीपल. साफ तौर पे इनका रीजन ये था कि ये डिवाइड करना चाहते थे बंगाली पॉलिटिशियंस को और स्प्लिट करना चाहते थे, तोड़ देना चाहते थे बंगाली लोगों को. पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में लोगों को इस बात पर गुस्सा आया. All section of Congress, moderate हो चाहे radical, as they may be called, जैसा उनका नाम था moderate वाले या radical वाले, सब ने oppose किया इसको. Large public meetings and demonstrations were organized. बड़ी बड़ी public meetings की गई, demonstration दिखाए गए. Novel methods of mass protest developed. और नए नए methods लाए गए जिससे mass protest develop हो. The struggle that unfolded came to be known as the स्वदेशी movement. और ये जो struggle चली उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, के अपने देश की चीजें इस्तेमाल करो, इनके देश की ना इस्तेमाल करो. इसी से तो वो मतलब उनका फायदा इसमें हो रहा था कि वो लाके सामान इंडियंस को बेच रहे थे, तो इंडियंस ने ये आवाज उठाई कि हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएं कि अपने देश में बनी हुई चीजों को ही खरीदेंगे. स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, बंगाल में यह सबसे स्ट्रांग था विद एकोस एल्सवेयर टू. और बाकी देश में भी कहीं कहीं इसकी गूंज थी, यानी इसका असर पहुंचा था. इन डेल्टाइक आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट. डेल्टा जो डेल्टाइक आंध्रा है, आंध्रा का डेल्टा वाला पोर्शन है, उसके अंदर इसका नाम वंदे मातरम मूवमेंट था. लक्ष्य यही था कि अपने ही देश की चीजें बनी इस्तेमाल करनी है. द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल. स्वदेशी मूवमेंट का मेन रीजन ब्रिटिश रूल का अपोज करना, एनकरेज करना आइडिया सेल्फ हेल्प का, कि हम अपने हेल्प खुद करेंगे. स्वदेशी एंटरप्राइज के अपने ही देश में चीजें बने. नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, नेशनल एजुकेशन हो और इंडियन लैंग्वेजेस का यूज हो टू फाइट द फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लड़ाई करें. द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट द ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन. अब स्वराज के लिए रेडिकल्स ने क्या बोला कि मास मोबिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए और बॉयकॉट किया जाए, यानी बिल्कुल त्याग कर दिया जाए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का और उनके सामान का. सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगन टू सजेस्ट द रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल. अब इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था रेवोल्यूशनरी वायलेंस का भी होना यहाँ पे जरूरी है ब्रिटिश रूल को अगर उखाड़ फेंकना है तो. The opening decades of 20th century were marked by the developments as well. अब जो शुरुआत की decades थी, decades होते 10 साल का एक decade होता है ना, तो 20th century यानी 1900 something होगा तो 20th century होगी ना, उसमें ये developments हुए. A group of Muslim landlords and nawabs formed All India Muslim League in Decca in 1906. ये Muslim landlords और nawabs जो थोड़े high उसमें थे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी 1906 में. द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब लीग ने इसको पार्टीशन को के अगेंस्ट नहीं थे इन्होंने, बल्कि सपोर्ट किया. इट डिजायर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम. उन्होंने कहा कि इलेक्टोरेट्स अलग ही होने चाहिए मुस्लिम्स के लिए
और रिजर्व होना चाहिए, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। अब जो इन्होंने डिवाइड किया था बंगाल, जिसके ऊपर लोग सारे परेशान हो रहे थे, इन्होंने इसको सपोर्ट किया मुस्लिम लीग ने कि ये अच्छी बात है। इनका रीज़न ये मिला कि मुस्लिम एरिया इसके अंदर अलग हो गए थे, और मुस्लिम एरिया अलग होने का मतलब कि वहाँ से रिजर्व सीट अपनी हो और वहाँ से अपना लड़के मुस्लिम लोग ही वोट करें और मुस्लिम को ही वोट मिले और वो अपना रूल चला सकें। सम सीट्स वर इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, और मान लिया गया इस चीज़ को, तो काउंसिल में कुछ रिजर्व सीट हो गई मुस्लिम्स के लिए, उनका वोटर भी मुस्लिम ही है। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टूगेदर फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू ओन रिलीजियस ग्रुप्स। अब क्या है कि ये धर्म के आधार की लड़ाई हो गई कि मुस्लिम अपने को सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदूज ने अपने हिसाब से, पॉलिटिशियंस ने अपने अपने लोगों को, अपने रिलीजियस ग्रुप्स को फेवर देने शुरू कर दिए। मीन बाय द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 में स्प्लिट हो गई। कैसे? मॉडरेट्स आर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, बॉयकॉट को यूज करना मॉडरेट्स को ये मंजूर नहीं था। मॉडरेट्स तो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से धीरे धीरे एक एक करके अपने फेवर की चीजें मनवाई जाए, जबकि रेडिकल्स का कुछ और तरीका था। तो दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, और मॉडरेट्स ने क्यों मना किया बॉयकॉट के लिए कि उसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, और फिर उसके बाद इस स्प्लिट के बाद कांग्रेस को जो डोमिनेट कर रहे थे वो मॉडरेट्स ही थे, यानी मॉडरेट्स ज्यादा संख्या में थे कांग्रेस के अंदर, विद तिलक फॉलोअर फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। और तिलक जो रेवोल्यूशनरी थे उनके फंक्शन कर रहे थे फॉलोअर्स बाहर से। द टू ग्रुप्स री यूनाइटेड इन दिसंबर 1950, और ये दो ग्रुप्स जो डिवाइड हो गए थे 1950 में ये दोबारा से एक हो गए। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड अ हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, और इन्होंने एक लखनऊ पैक्ट साइन किया। एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, और इन्होंने ये पैक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने डिसाइड किया कि आप ये आगे से मिलजुल के काम करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे कंट्री में। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, अब बहुत सारे लोग कैसे नेशनलिज्म में जुड़े। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट, एक ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गई इन्वॉल्विंग इसके अंदर पीजेंट्स, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वुमेन सब इन्वॉल्व हो गए इन लार्ज नंबर्स एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल, फैक्ट्री वर्कर्स भी इसके अंदर शामिल हो गए। सर्टेन बिजनेस ग्रुप टू बिगैन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920s, और कुछ बिजनेस ग्रुप्स भी कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे 1920s में। Why was this so? ऐसा क्यों हुआ था? देखो, the First World War altered the economic and political situation in India. First World War में जहाँ पे ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी यूरोप में, तो वहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में चेंज हुई। कैसे? इट लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनका डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जिस टाइम वॉर चल रही होती है तो सारा पैसा डिफेंस में लग रहा होता है, यानी मिलिट्री के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, टैंक्स खरीदने में वो सब, तो इस तरह से उनका डिफेंस पे खर्चा ज्यादा हो रहा था। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, और गवर्नमेंट ने इस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया, लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए और बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लेने लगे। Increased military expenditure and the demand for war supplies led to a sharp rise in prices. और फिर उसके बाद war की supplies के लिए, जैसे जब भी war होता है तो उधर war में supply करने के लिए बहुत सारा सामान चला जाता है, तो पीछे जो होता है वो prices बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे sharp rise in prices हो गए, which created great difficulties for common people. Common लोग परेशान हो गए, यानी कि taxes बढ़ गए, चीजें महंगी हो गई, जो वॉर की सिचुएशन में हमेशा होता है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, और जो जितने बिजनेस ग्रुप थे उनको फायदा हुआ। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 7 द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जूट बैग, क्लॉथ, रेल्स। जैसे वॉर हुई तो वहां पे जूट बैग्स, क्लॉथ, रेल्स वगैरह इन सब की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड कौन पूरी करेगा, यहाँ के बिजनेसमैन जो भी इस चीज में डील कर रहे थे। एंड कॉज द डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया, और इंडिया में जो बाहर की कंट्रीज से सामान आ रहा था वो भी कम हो गया,
तो इसका मतलब कौन सा सामान बिकेगा जो इंडियन बिजनेसमैन बना रहे हैं? इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड ड्यूरिंग द वॉर, और इसी के कारण वॉर के टाइम पे इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो एक्सपैंड कर गई, एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगैन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, और जो बिजनेस ग्रुप थे वो और ज्यादा डिमांड करने लगे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि इंडियन इंडस्ट्रीज के बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री यहाँ पे चला रहे थे उन्हें क्या फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ। अभी एक पहले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से जमशेद जी टाटा ने जो लगाया था, नया स्टील इंडस्ट्री शुरू करी थी, वो कैसे एकदम से फायदे में कैसे आ गई थी, कैसे प्रॉफिट में आ गई थी। रीजन उसका ये था कि उन्होंने जैसे ही स्टार्ट किया था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, वर्ल्ड वॉर में आयरन की जैसे डिमांड हुई थी, तो इंडिया में आयरन पहले वहां से आया करता था, ब्रिटेन से। जबकि फिर मतलब पहले तो इंडिया के इतने सारे जो यहाँ पे काम करने वाले थे, जो ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया करते थे, उन सबके काम बंद हो गए थे, बल्कि ब्रिटिशर्स का ही आया करता था। लेकिन ये जब वर्ल्ड वॉर हुई तो वहाँ की भी आयरन की डिमांड इंडिया से पूरी होने लगी। इस तरह से बिजनेसमैन ने बहुत फायदा उठाया। क्लॉथ के लिए जो वहां के सोल्जर्स के लिए कपड़ों की जरूरत होती थी, जूट बैग्स वगैरह की जरूरत होती थी, तो क्लॉथ इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री, इन सब में फायदा मिला इंडियन बिजनेसमैन को। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। अब ये ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी भी एक्सपैंड करनी पड़ेगी। विलेजर्स वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर फॉर एन एलियन कॉज। एलियन कॉज मतलब ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ से इंडियन जाके, इंडियन सोल्जर जाके ब्रिटिशर्स के लिए लड़ेंगे, तो एलियन कॉज हो गया ना। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड, बाहर उनको सर्विस पे भेजा गया। मेनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इंपीरियलिस्टिक पावर वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। बहुत सारे सोल्जर जो वापस आए, यूरोप होके आए हैं, वहां से उनको समझ पता चली कि किस तरह से एशिया और अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये ब्रिटिशर्स, एंड विद डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। वहां पे ब्रिटिशर्स के लिए लड़के आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़के आ रहे हैं, और लेकिन ये तो एक जबरदस्ती में भेजा हुआ था लड़ने के लिए, और वहां से इच्छा क्या लेके आए कि ये कॉलोनियल रूल हमें बहुत परेशान कर रहा है, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को, और इन्हें बाहर निकालना जरूरी है। फर्दर मोर इन 1917 देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, सेकेंड चैप्टर आएगा ये क्लास 9th में। न्यूज अबाउट पीजेंट एंड वर्कर स्ट्रगल एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली। तो रशिया में पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने, इन सब ने स्ट्रगल की थी, और किस तरह से उन्होंने रूल को चेंज करा दिया था, वहां के जार को हटा दिया था। तो यानी कि हम अगर कोई मूवमेंट शुरू करें, कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट करें, तो हम भी इस तरह से ब्रिटिशर्स को निकाल सकते हैं, ये आइडिया वो लेके आए। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कि एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का आना और वो किस तरह से क्या प्रभाव डाले। इट इज इन दीज सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज एज मास लीडर। मास लीडर बन के महात्मा गांधी जी आए इस टाइम में। एज यू नो गांधी जी एज 46, जब वो 46 ईयर्स के थे तब वो आए थे इंडिया 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हैविंग लेड इंडियन इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस रिस्ट्रिक्शन। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेसिस रिस्ट्रिक्शन थी, ब्लैक्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, जो बेसिकली वहाँ के रहने वाले थे। और एक्सप्लॉइट करने वाले कौन थे, ये ब्रिटिशर्स थे। वहाँ पे ब्लैक एरियाज वाइट एरियाज बना रखे थे, ब्लैक्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब होती थी, हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह जो भी होते थे अच्छी हालत में नहीं होते थे। वाइट्स के लिए, उन्हें क्योंकि एक सुपीरियर रेस माना जाता था, तो उनके लिए सब चीज़ बहुत बढ़िया से थी। तो इसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए जो नॉन वायलेंट मार्चेस होते थे उनको लीड किया था वहां पे महात्मा गांधी ने। ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर थे, नोन इंटरनेशनली उनको लोग जानते थे। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस। बहुत सारे इंडियंस से वो मिले भी थे, हिंदूज, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजराती, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर कास्ट मर्चेंट, लॉयर एंड वर्कर्स, हर तरह के व्यक्ति से वो मिले थे। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। जब 46 ईयर्स की एज में आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो ट्रैवल किया कंट्री में, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन, कि सारी सिचुएशन क्या है इंडिया की उसे समझने के लिए। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वर लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। अब ये इन्होंने सबसे ज्यादा लोकल मूवमेंट्स में थोड़ा सा सपोर्ट करी, वो था चंपारण में, खेड़ा और अहमदाबाद में।
और इसी दौरान वो कांटेक्ट में आया राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स के। इन अहमदाबाद ही लेड सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918, और सबसे पहले जो उन्होंने स्ट्राइक कराई वो यहाँ पे वो मिल वर्कर्स की स्ट्राइक कराई 1918 में। लेट्स नाउ फोकस ऑन सम डिटेल्स ऑन मूवमेंट ऑर्गेनाइज बिटवीन 1919 एंड 22। 1919 से 22 के बीच में कौन कौन से मूवमेंट उन्होंने सपोर्ट किए वो हम फोकस करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह। इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। एक एक्ट पास किया था ब्रिटिशर्स ने, अभी अभी पास किया था, जिसके पास होने से फंडामेंटल राइट्स जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो छिन जाता था यहाँ के इंडियंस का, और पुलिस पावर्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। और मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी जैसे लीडर्स का ये कहना था कि गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह से लोगों के बेसिक फ्रीडम को लेने का। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश, कि ये एक्ट जो है ये बड़ा दानवी टाइप है, गलत है एंड टायरानिकल, अपनी अपनी चलाने वाला है। गांधी जी asked Indian people to observe 6th April 1919 as the day of non-violent opposition to act. और ये 1919 6th April को non-violent opposition करेंगे इस act का। As a day of humiliation and prayer, वहाँ पे अपने prayers करेंगे, हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह सभा करेंगे, ये सब इस movement में शुरू किया गया। रॉलेट सत्याग्रह turned to be the first all Indian struggle against British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये पहली ऑल इंडिया स्ट्रगल थी। इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज, लेकिन सिटीज तक ही रही, यू नो एट दैट टाइम मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, विलेजेस तक पहुंच नहीं पाती थी चीजें, तो सिटीज में जहां तक ये खबर पहुंची थी वहां तक ये स्ट्राइक चली थी। इन अप्रैल 1919 देयर वाज अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर टू सप्रेस देम। अब कितने बहुत सारी हड़ताल हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, और गवर्नमेंट ने बड़े सख्त मेजर्स लिए उनको सप्रेस, उन्हें दबाने के लिए। जलियांवाला एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे वाज अ पार्ट ऑफ रिप्रेशन। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि लोग जमा थे और उस टाइम पे मना था लोगों का जमा होना, तो जनरल डायर ने कि ताकि इंडियंस आगे से ऐसा ना करें या डर के रहें हमसे, उसके लिए उसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी लोगों के ऊपर जो कि बिल्कुल वॉयलेंट नहीं थे। तो ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकर, इतने सारे लोगों को मारा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। नाइटहुड एक ऑनर दिया था ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, क्योंकि जो एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट या पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस अपने जो नाइटहुड का उनको खिताब दिया गया था उसको उन्होंने छोड़ दिया, वापस कर दिया। इसी के विरोध में ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट ट्राई टू इंश्योर दैट हिंदू मुस्लिम वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। रॉलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेंट्स ने ये इंश्योर किया था कि ये हमारी एकता बनी रहे, इंडियंस की एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे डिवाइड ना हो। दिस वाज आल्सो कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री। महात्मा गांधी ये कहते थे जो सारे लोग रह रहे हैं कंट्री में, इंडिया सबका है, हिंदू मुस्लिम एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन। ही वाज कीन दैट हिंदू एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। कोई भी न्यायपूर्ण कॉज है, कारण है, उसके लिए एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम सपोर्ट करें। खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज। गांधी जी ने इसी में मौका ढूंढा था कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए। इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज अ हार्श ट्रीटी ऑन टर्किश सुल्तान और खलीफा। तुर्की जो आज तुर्की है वहां पे एक सुल्तान हुआ करते थे जिनको खलीफा बोलते थे, और उनको मुस्लिम लोग अपना रिलीजियस हेड माना करते थे। सारे वहां के जो जितने वो होते हैं इनके धार्मिक स्थान वो सब खलीफा के अंडर में आते थे। अब क्या हुआ, लेकिन क्योंकि ये उस टाइम पे ये ओटोमन एम्पायर जो था वो हार गया था ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स के पास अब हाथ में था, ये इनके ऊपर ट्रीटी लगा रहे थे बड़ी हार्श, तो पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। लोगों को इस बात पे गुस्सा आया जिस तरह से जलियांवाला बाग
के अंदर जितना लोगों की हत्या की गई थी उस पर आया था. ऑल्सो इंडियन मुस्लिम आर कीन दैट खलीफा भी फॉलो अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस इन द अर्सफाइल ऑटोमन एम्पायर. तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंदर खलीफा को जो वैसे तो हटा दिया गया था, लेकिन मतलब उसका कंट्रोल मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस के ऊपर यानी मुस्लिम धार्मिक स्थलों के ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो बना रहे, ये डिमांड थी मुस्लिम लोगों की. द लीडर ऑफ खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये जो लीडर थे दो भाई थे, नाउ विश टू इनिशिएट फुल फ्लेज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. वो चाहते थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया जाए यानी ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया जाए. गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल. गांधी जी ने मौका देखा इसको हिंदू मुसलमान को इकट्ठा लाने का और उन्होंने सपोर्ट करी इनकी कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स. और कांग्रेस से कहा कि इसमें ये मुद्दा भी साथ में उठाया जाए कि पंजाब में ये जलियांवाला बाग में कितना गलत हुआ और खिलाफत रॉन्ग, इन दोनों को मिक्स करके और हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना और डिमांड करनी है स्वराज की. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921-22. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खूब अच्छे से चला 21-22 में. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. बहुत सारे लोगों ने स्कूल जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो छोड़ दिए. मेनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस. इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी. रीजन क्या था? नॉन कोऑपरेशन, के कोऑपरेट नहीं करना. ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड, जितने टाइटल्स उन्होंने दिए थे वो सब छोड़ दिए. एंड लेजिस्लेचर बॉयकॉटेड, जो लेजिस्लेचर्स बना रखी थी वो भी बॉयकॉट करी. पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ. फॉरेन क्लॉथ को जलाया गया कि हम इनका क्लॉथ नहीं खरीदेंगे. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 22. और इसके कारण से 2022 में लोगों ने बाहर का कपड़ा भी नहीं खरीदा, तो जो इम्पोर्ट हो रहा था बाहर से वो भी डिक्लाइन कर गया. बट ऑल दिस वॉज मेयरली अ टिप ऑफ आइसबर्ग. अभी तो शुरुआत थी. लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट. अब सारी कंट्री जैसे रिवोल्ट के तरफ बढ़ रही थी. पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों ने कैसे इनिशिएटिव लिए. इन मेनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. ब्रिटिश का रूल का विरोध किया लेकिन नॉन वायलेंटली किया लोगों ने. इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर. बाकी क्या था, सबने अपने गांधी जी की जो कॉल थी नॉन कोऑपरेशन की उसको अपने अपने तरीके से लिया. प्रोटेस्टेड इन द वेज दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज. और प्रोटेस्ट ऐसे किया जो कि गांधी जी के आइडियाज के अकॉर्डिंग नहीं था. इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स एंड लोकल ग्रीवेंसेस. अब क्या था, जो वहीं की कोई परेशानियां हैं, लोकल परेशानियां जो भी हैं उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको भी उसी के साथ जोड़ दिया. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ ब्रिटिश. ये पीजेंट्स थे, इनसे हाई लैंड रेवेन्यू लिया करते थे ब्रिटिशर्स, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाया. कोस्टल आंध्र प्रदेश में और इंटीरियर तमिलनाडु में लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया. पिकेटेड करना मतलब जैसे उसके अंदर किसी को घुसने ना दिया जाए, ऐसे रास्ता रोक लिया उनका. इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह. और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ट्राइबल जितने थे और पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह करे कि फॉरेस्ट में उनको नहीं घुसना दिया जाता, तो उसके कारण जो परेशानी हो रही है उसके लिए जो मूवमेंट उन्होंने चलाया वो सत्याग्रह जो करे उसको भी उसके साथ लिंक कर दिया. समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट. और रिवोल्ट कैसे कर रहे थे कि वो कैटल को घुसा देते थे फॉरेस्ट में विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी. ग्रेजिंग फी नहीं देते थे और घुसा देते थे, जो कि अंग्रेजों ने लगा रखा था रिस्ट्रिक्शन के कोई भी यहाँ पे अपने ग्रेजिंग एनिमल्स को नहीं घुसाएगा, इनकेस घुसाएगा तो वो टैक्सेस देगा. तो रिवोल्ट करने के लिए उन्होंने अपने एनिमल्स घुसा देते थे. दे वर protesting because of colonial state had restricted the use of forest resource in various ways. क्योंकि वो कई तरह से forest के resources का use किया करते थे और ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था. They believed that गांधी जी would get their taxes reduced and have the forest regulation abolished. उनका विश्वास ये था कि गांधी जी ये taxes को कम कराएंगे और forest regulations जो लगे हैं, rules and regulations बना दिए गए हैं, उनको खत्म कराएंगे. In many forest villages, peasant proclaimed स्वराज. बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस जो थे उसमें लोगों ने स्वराज की आवाज़ उठाई और बिलीव किया कि गांधी राज वॉज अबाउट टू बी एस्टैब्लिश. कि एक राज आएगा, गांधी राज आएगा यानी हमारा राज्य आएगा उसमें
गांधी जी राज्य करेंगे। इन सिंध जो अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट खिलाफत कॉल। खिलाफत कॉल के साथ बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट एंथुजियास्टिक थे। इन बंगाल टू खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। और ये खिलाफत कॉल के कारण मुस्लिम्स क्योंकि इसमें शामिल हो रहे थे तो इससे बहुत स्ट्रेंथ आई नेशनल मूवमेंट में। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ सिक्स सॉट टू रिमूव करप्शन करप्ट महंत्स। और पंजाब में अकाली लोगों ने ये एजिटेशन किया कि वो चाहते थे कि कुछ करप्ट महंत्स आ गए थे उनके गुरुद्वारों में जो सपोर्टेड बाय ब्रिटिश थे कि उनको हटाया जाए गुरुद्वारा से। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और ये भी जो उनके उन्होंने आवाज़ उठाई थी उसको भी जोड़ दिया गया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से। आसाम में टी गार्डन लेबरर्स जो थे वो शाउट कर रहे थे गांधी महाराज की जय और डिमांड कर रहे थे कि इंक्रीज किए जाए उनकी वेजेस। उन्होंने छोड़ दिए थे जो ब्रिटिश ओन प्लांटेशन थी और ये डिक्लेयर करके कि वो गांधी जी की विश को मान रहे हैं, नॉन कॉरपोरेशन का टाइम है तो वो भी कॉपरेट नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे इन टी गार्डन्स में। इंटरेस्टिंगली असमीज वैष्णव सॉन्ग एज ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्ण वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय गांधी राजा। तो वो जहाँ पे कृष्ण का नाम आता था वहाँ पे भी गांधी राजा का नाम लगाने लगे, यानी कि गांधी जी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा और वो सब लोग अपनी अपनी जो उन्हें मसले हल कराने थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि गांधी जी उनको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह से वो बन गए लोगों के महात्मा। We can see from the above that sometimes people thought Gandhi ji as a kind messiah, जैसे मसीहा आता है ना सेवियर, बचाने के लिए कोई आ जाता है, वो समझने लगे थे as someone who would help them overcome their misery and poverty, जो उन्हें उनकी परेशानियों और पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे। गांधी wished to build class unity, not class conflict. गांधी जी ने हमेशा कोशिश करी कि हर क्लास में यूनिटी रहे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं चाहते थे। येट पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन द फाइट अगेंस्ट जमींदार। तब भी जो वो थे पीजेंट थे वो सोचते थे कि फाइट अगेंस्ट जो जमींदार के अगेंस्ट फाइट चल रही है उनकी, वो शायद गांधी जी उनको सपोर्ट करेंगे। एंड एग्रीकल्चरल लेबरर बिलीव दैट ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। और एग्रीकल्चरल लेबरर क्या सपना देखते थे कि गांधी जी उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। कभी कभी उनके अपने अचीवमेंट्स होते थे उसके श्रेय भी वो गांधी जी को दे दिया करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पावरफुल मूवमेंट चल रहा था प्रतापगढ़ के पीजेंट्स का, यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो अब उत्तर प्रदेश कहलाता है यूपी, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शंस ऑफ टेनेंट्स। उसमें उन्होंने मैनेज कर लिया था कि इलीगल एविक्शंस को टेनेंट्स जो होते हैं जो किराए पे ले रखा होता है उनसे खाली कराए जाने का जो प्रोसेस है उसको रोका गया उनके मूवमेंट के कारण। लेकिन उन्होंने फील किया ये कि गांधी जी हैं जिन्होंने इस डिमांड को उनकी डिमांड को पूरा कराया। यानी लोग जगह जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हर जगह गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली तो उन्हें लगता है कि गांधी जी ने दिलाई। एट अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जी नेम ट्राइबल्स एंड पीजेंट अंडरटुक एक्शन दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधीयन आइडियल्स। कई जगह ट्राइबल्स और पीजेंट ने ऐसे एक्शन भी लिए जो गांधी जी के अपने आइडियल्स के हिसाब से सही नहीं थे। Happenings in 1922 to 29. Mahatma Gandhi, as you know, was against violent movements. Violent movement ke against the, he abruptly called off non-cooperation movement when in February 1922, a crowd of peasants set fire to police station in Chauri Chaura. Chauri Chaura naam ki jagah mein peasants ne police station mein aag laga di thi aur यहाँ वॉयलेंस की शुरुआत देखते ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा दिया। उन्हें लगा कि यहाँ पे ये वॉयलेंस हुई है तो देश में जगह जगह पे इस तरह से वॉयलेंस होने लगेगी। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे। वॉयलेंस में 22 पुलिसमैन मारे गए थे। द पीजेंट वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि शांतिपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन वो कर रहे थे और पुलिस ने फायर कर दिया था उसके ऊपर। वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन रूरल एरियाज। तो जितने सपोर्टर्स थे गांधी जी के, फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये कहा कि अब कांग्रेस को कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए गांव के एरियाज में। अदर लीडर्स सच एज चित्रंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज।
बाकियों का कहना यह था कि अगर गवर्नमेंट के अंदर एंट्री पा लेते हैं काउंसिल्स के इलेक्शन में इलेक्ट होके वहां जाके, तो फिर हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन मिड 1920s द गांधियंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस. अब 1920s में बहुत सारी सोशल सर्विस करी इन्होंने रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज के लोगों की अवेयरनेस जगी और गांधी जी के सपोर्ट में और लोग आ गए. दिस प्रोवोक्ड टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930. और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऑब्वियसली अब ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होने वाले थे. टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो आज भी एक बहुत सफल और बहुत कारगर बहुत अच्छी संस्था है, वो इस टाइम में बनी. हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी तभी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट आइडिया ये होता है कि सारा जो प्रॉपर्टी है वो देश की गवर्नमेंट की होनी चाहिए और लोगों को उन्हीं के हिसाब से जॉब्स दी जाए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का मौका ना दिया जाए किसी को, ये होता है कम्युनिस्ट आइडिया. तो ये कम्युनिस्ट पार्टी भी तब बनी थी. हालांकि इंडिया एक कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट मीन्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जहाँ पे, जैसे अंबानी अडानी इस समय अपने कर रहे हैं, तो कम्युनिस्ट लोग ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट होते हैं. वो नहीं चाहते कि किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज पे होल्ड हो इंडिविजुअल्स का, तो उन्हें लगता है कि बाकी लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. बट ऐसा केस होता नहीं है. अगर ऐसे कैपिटलिस्ट ना हो तो देश उन्नति कैसे करेगा, राइट? तो कम्युनिस्ट आइडिया बताने के लिए बस ये है. बाकी कम्युनिस्ट पार्टी भी इस टाइम पे शुरू हुई थी. दीज पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी, है ना? इनके बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज होते हैं. फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. आई हैव टोल्ड यू सम एंड दिस वॉज द बेसिक आइडिया. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिस्ट, वॉट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड. भगत सिंह भी इसी पीरियड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो भी इसी टाइम पे एक्टिव थे. द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज अब कांग्रेस ने, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रख दी ब्रिटिशर्स के सामने इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ऑफ द कंट्री. और 1930 में क्या हमने इंडिपेंडेंस डे मना भी लिया, चाहे इंडिपेंडेंस मिली नहीं है. अब ये भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा देखो. रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एस भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड अदर्स वॉन्टेड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू द रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट. इनके ये आइडियाज थे. फॉर द पर्पज दे फाउंडेड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बनाई थी इन्होंने, फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में. ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु असासिनेटेड सॉन्डर्स, अ पुलिस ऑफिसर हु वॉज इन्वॉल्व इन द लाठीचार्ज दैट हैड क्रॉस द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय. अब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी क्योंकि एक लाठीचार्ज कराया था पुलिस ने, और उसके अंदर जो जिम्मेवार था वो एक सॉन्डर्स था, एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सॉन्डर्स था. ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बी के दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. इन्होंने एक बॉम्ब फेंका. द एम वॉज एज देयर लीफलेट एक्सप्लेन. और एम क्या था? वॉज नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ हियर. के बहरे लोग हैं, ये बहरी सरकार है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो वो हमारी बात सुने, इसलिए उन्होंने वो बॉम्ब फेंका था. एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कैलस एक्सप्लॉयटेशन, के किस तरह से वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931. उन्हें फांसी दे दी गई. भगत सिंह एट द एज एट दैट टाइम वॉज ओनली 23. ही वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड. नाउ कम्स द मार्च टू डांडी. यहाँ पे इंडिया में समुद्र के किनारे सॉल्ट आसानी से मिल सकता है, लेकिन सॉल्ट को उठाना मना था. ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर रोक लगा रखी थी. सॉल्ट कहाँ से लेना है लोगों को? कि सॉल्ट खरीदना जो ब्रिटिशर्स बना के बेच रहे हैं. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाते थे. अब सॉल्ट एक बेसिक नीड है सबके लिए, अमीर से लेकर गरीब तक के लिए, सबके लिए एक बेसिक नेसेसिटी है. गांधी जी ने इसको सोचा कि सॉल्ट का इशू उठाया जाए
तो उससे सारे लोगों तक जागृति पहुंचेगी, मास्टर्स तक उनकी आवाज पहुंचेगी कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने इस सॉल्ट को एक मुद्दा बनाया, सॉल्ट मार्च करी, डांडी में गए, वहां पे अपने हाथ से सॉल्ट उठाया जो कि ब्रिटिशर्स ने मना कर रखा था, और उससे एक मुट्ठी भर सॉल्ट जैसे बनाया, सिर्फ कानून तोड़ने के लिए कि मैं इस कानून को तोड़ रहा हूं। ये होता है रिवोल्ट का तरीका। ये लिया, पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, खुद तो आएगा नहीं, इट हैड टू बी फॉट फॉर, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, कि वो लीडर बनेंगे, एक मार्च करेंगे सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी के पास अधिकार था सॉल्ट बनाने का और बेचने का। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट, उन्होंने रीजन ये दिया कि ये पाप है टैक्स लगाना सॉल्ट के ऊपर। इट इज सच एन एसेंशियल आइटम इन आर फूड, क्योंकि बहुत जरूरी आइटम है हमारे फूड में। सॉल्ट मार्च रिलेटेड द ग्रेट जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी, इसीलिए हर किसी के साथ जुड़ गया था ये सॉल्ट मार्च, एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर, रिच और पुअर सब इसमें बराबर रूप से समान थे। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च ओवर फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, टाउन ऑफ डांडी, वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। इतनी लंबी यात्रा 240 मील की करके साबरमती के किनारे वो कोस्टल टाउन डांडी में पहुंचे, और वहां पे उन्होंने जो मना था सॉल्ट को लिया और बनाया। अब ये इतना लंबा मार्च क्यों किया? इतना लंबा मार्च इसलिए किया कि जितने गांव में से होके निकलेंगे, लोगों की अवेयरनेस आएगी कि गांधी जी क्या करने जा रहे हैं, गांधी जी क्या चाहते हैं। तो मासेस को साथ अपने साथ जोड़ना नॉन वायलेंट तरीके से गांधी जी का ये तरीका था, इसलिए उन्होंने ये सॉल्ट का मुद्दा उठाया और काफी सफल रहा। बहुत सारे लोग इसके बारे में जान गए थे और जुड़ गए थे। विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये है विमेन के बारे में कि विमेन ने भी अब इसमें हिस्सेदारी शुरू कर दी थी, और किस तरह से की थी वो आप इस बॉक्स में पढ़ सकते हैं। पीजेंट ट्राइबल विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर्स में इस सब ने पार्टिसिपेट किया। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश अ पैम्फलेट ऑन सॉल्ट इशू, एक बिजनेस फेडरेशन ने एक पैम्फलेट भी इशू किया था। दस गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रही। ब्रूटल एक्शन मीन्स उनके ऊपर अत्याचार करके रोकने की कोशिश भी करी थी। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, जेल भी भेजा गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल बोर फ्रूट, अब इसका फल कब मिला? व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनोमी, और इन्होंने 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनोमी दे दी। ऑटोनोमी मीन्स प्रोविंसेस के पास अब अपनी ऑटोनोमी थी, अपना अधिक अपने हिसाब से चलाने का अधिकार था। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और चलाएगी लेजिस्लेचर, और उसके इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए 1937 में। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 out of 11 provinces, 11 provinces में से 7 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। सितंबर 1939 में आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, हिटलर को तो क्रिटिसाइज करते ही थे, तो कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट, तो वो वॉर जो ब्रिटिशर्स की थी वो हिटलर के ही अगेंस्ट थी, और हिटलर को कांग्रेस के लीडर्स भी क्रिटिसाइज ही करते थे, इसलिए वो उनके साथ हाथ मतलब जुड़ने के लिए तैयार थे। बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में क्या चाहते थे? इंडिया चाहते थे, इंडियंस चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए वॉर के बाद। द ब्रिटिशर रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, और उन्होंने मना कर दिया कि इस डिमांड को नहीं मानेंगे। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, और कांग्रेस की जितनी मिनिस्ट्रीज बनी हुई थी ना, उन्होंने इस बात पे रिजाइन कर दिया। क्विट इंडिया एंड लेटर, अब महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलते में ही, बीच में ही एक नया फेज शुरू हुआ मूवमेंट का। ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम कि अब भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं इसको। तो पीपल ही सेड डू और डाई, करो या मरो वाला एफर्ट अब चाहिए था ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन ये थी कि नॉन वायलेंट ही रहना है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड,
उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन मूवमेंट फैल गया। जेल में क्यों डाल दिए जाते थे लीडर्स? ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में इसलिए डाल दिया जाता था ताकि वो अपने आइडियाज को स्प्रेड ना कर पाए। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट एंड यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू जॉइन इट। बहुत सारे पीजेंट और यूथ इसमें शामिल हो गए। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक ऑल ओवर द कंट्री। कम्युनिकेशन और जितने सिंबल होते थे स्टेट अथॉरिटी के, ब्रिटिशर्स के, उनको अटैक किया गया। इन मेनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। लोगों ने अपनी अपनी गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी। द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश वॉज ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। पहला रिस्पॉन्स तो उन्होंने दिया सीवियर रिप्रेशन, मतलब खूब उन्होंने लाठीचार्ज, पुलिस से अरेस्ट वगैरह सब कराए। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। सोचो कि इतने लोगों को अरेस्ट किया गया एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। फायरिंग भी हुई, उसमें मारे भी गए लोग। इन मेनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। एयरप्लेन से भी कि मशीन गन चला दो क्राउड के ऊपर, ये आदेश दे दिए गए। द रिबेलियन हावर अल्टीमेटली ब्रॉट राज टू इट्स नीज। और ये रिबेलियन के कारण ब्रिटिश राज घुटनों पे आ गया, यानी उसे हार माननी पड़ रही थी। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब इंडिपेंडेंस और पार्टीशन कैसे हुआ? Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent state. उन्होंने 1940 में ही मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए इन द नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। दोनों तरफ, वेस्ट में भी चाहिए, ईस्ट में भी चाहिए। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मैंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इन्होंने पार्टीशन या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। Why did the League ask for autonomous arrangement for Muslim of the subcontinent? इन्होंने क्यों मांगा एक autonomous arrangement? उन्हें ये लगता था कि हम यहाँ पे पूरा इंडिया की अगर population देखा जाए तो हम माइनॉरिटी में हैं, तो हमें representation नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो एक ऐसा religion के आधार पर divided state चाहते थे जिसमें उनकी अपनी चले। From the late 1930s, the League began viewing the Muslim as separate nation from the Hindus. और उन्होंने मुस्लिम्स को के लिए एक सेपरेट नेशन मांगना शुरू किया 30s से। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन 1920s एंड 30s। 20s और 30s में जो टेंशन रही थी उसके कारण ये उन्होंने आवाज उठाई थी। मोर इम्पॉर्टेंटली प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 सीम टू हैव कन्विंस्ड लीग दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी। 1937 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने ये फील किया कि मुस्लिम्स को इतनी वोट नहीं मिली, मुस्लिम माइनॉरिटी में है इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको ये डर लगा। इट फियर दैट मुस्लिम मे इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, कि हो सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन मिले ही ना। कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग डिजायर टू फॉर्म ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937। अब लीग ने एक और डिजायर की इच्छा अपनी प्रकट की थी कि ज्वाइंट कांग्रेस लीग बनाई जाए, गवर्नमेंट बनाए यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जो कांग्रेस ने मानी नहीं थी। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। अब सब लोगों को, मुस्लिम्स को ये लगने लगा कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है मुस्लिम्स की, तो इन्होंने, मुस्लिम्स ने इस लीग को सपोर्ट करना शुरू किया। इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। और जेल में थे कांग्रेस के लीडर्स, उसका फायदा उठाया इन्होंने, अपनी सपोर्ट और बढ़ाई। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 में खत्म हुआ, द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस लीग एंड देमसेल्फ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उन्होंने बातचीत करनी शुरू करी क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को ये हो चुका था कि अब वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम। अब उन्हें लीग को ये लगा कि वो ही अकेले बोलने वाले हैं मुस्लिम के फेवर में और कोई मुस्लिम्स की सपोर्ट नहीं कर रहा। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम सेल्स सपोर्टेड इट। और इस क्लेम को लेकिन कांग्रेस आगे चला नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम इसी चीज को सपोर्ट कर रहे थे कि एक अलग ही स्टेट बन जाए। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। फिर से प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए। कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कांग्रेस को जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छी वोट मिली, बट लीग सक्सेस इन सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वाज स्पेक्टेकुलर। लेकिन लीग को जो सक्सेस मिली, जो रिजर्व सीट थी मुस्लिम्स के लिए, वो देखने लायक थी। इट परसिस्टेड दैट इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान इन मार्च 1946। अब उन्होंने एक पाकिस्तान की डिमांड रख दी 1946 में। ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3 मेंबर मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड।
तीन मेंबर्स की उन्होंने एक मिशन बनाया, भेजा उसे डिमांड को देखने के लिए कि कैसी डिमांड है, ये सही है या नहीं है, एंड टू सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। और जो फ्री इंडिया होगा उसका फ्रेमवर्क कैसा होगा उसे डिजाइन करने के लिए ये आई थी, ये मिशन आया था। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। अब इन्होंने कहा कि पार्टीशन ना हो बल्कि एक ऐसा बनाया जाए कि कॉन्फेडरेशन सा, जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम्स की ऑटोनॉमी हो, अपना चले। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द प्रपोजल। इस पे दोनों ने एग्री नहीं किया, ना कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर एंड लेस इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, अब नहीं टल सकता था। यानी After the failure of cabinet mission, ये cabinet जो mission आया था, Muslim League decided on the mass agitation for winning the Pakistan demand. और उन्होंने कहा mass agitation करेंगे, बहुत सारे लोग मिलके और पाकिस्तान के लिए demand करेंगे। It announced 16th August 1946 as Direct Action Day. Direct Action Day इन्होंने उसका नाम दिया। On this day riots broke out in Calcutta lasting several days and resulting in death of thousands of people. By March 1947, violence spread to different parts of the northern India. ठीक है, मतलब यही डिमांड के ऊपर ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो गए थे। Many hundred thousand people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. अब पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के दौरान आप इमेजिन कर सकते हो किसी के खेत खलियान हो, घर हो, और पता चल जाए कि ये पाकिस्तान बन गया, उन्हें छोड़ के आना पड़ा। तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते थे, इंडिया में आने चाहते थे, तो बीच में लूटने वाले मारने वाले इतने लोग होते थे कि उन्हें ये पता होता था कि ये जो पार्टीशन के बाद लोग इधर मूव कर रहे हैं वो अपने साथ क्या लेके आएंगे। सिर्फ जितना सोना गहना ये सब लेके आएंगे, तो बहुत सारे लोगों का जो सामान लेके आ रहे थे वो सब लूट लिया गया था। और दूसरी चीज, वुमेन के ऊपर भी बहुत सारी ब्रुटैलिटीज की गई और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, उन्हें घर छोड़ के आने पड़े। टॉर्न असंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, होमलैंड से अपने अलग हो गए। दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स, अब नए लैंड में आके दूसरी जगह मूव करके वो बिल्कुल एलियन यहाँ पे रिफ्यूजीज बन के आ गए थे एलियन लैंड में। यानी जो पाकिस्तान एरिया जो डिक्लेयर कर दिया गया था, वहां पे जितने हिंदूज रह रहे थे उन्हें ये पता चल गया ये पाकिस्तानी एरिया मुस्लिम एरिया डिक्लेयर हो गया है, तो छोड़ के जो आए अपना, उस टाइम कोई बेचने और इसका तो टाइम होगा नहीं, तो यहाँ मूव किया। उन्होंने कितनी उन्होंने एट्रोसिटीज उनके साथ हुई वो उस टाइम के लोग ही बता सकते हैं। पार्टीशन ऑल्सो मीन्ट दैट इंडिया चेंज्ड, मेनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज्ड, इंडिया चेंज हो गया, सिटीज बदल गई, नई कंट्री बनी पाकिस्तान। ठीक है, सो द जॉय ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, जो एक खुशी होनी थी कि इंडिपेंडेंस हमें मिल गई ब्रिटिश रूल की, वो मिक्स हो गई इस पेन और वायलेंस के साथ जो पार्टीशन अपने साथ लेके आया था। सो दिस वॉज अ चैप्टर, अ बिग वन, बट आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।